दोस्तों, क्या हाल है आपके? वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं समर स्लैम 2023 के बारे में, यानी कि समर स्लैम का प्रीमियम लाइव इवेंट इस साल का नजदीक आ गया है बहुत, और बहुत ही कुछ इस बार ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है समर स्लैम के लिए, क्योंकि समर स्लैम को एज ए लेजेंड इवेंट देखा जाता था जहाँ पर अच्छे अच्छे मैचेज होते थे, लेकिन इस बार देखा जाए तो लेजर और कोहली का मैच है और एक रोमन रॉयल्स जियो का मैच है। मुझे लगता है कि दो मैचेज हैं एक्साइटेड, और कोई ऐसा मैच नहीं है जिसके लिए एक्साइटेड हो सके। तो हाँ, लेकिन हाँ, यही चीज़ है जिसके लिए एक्साइटेड है फैंस, वो है आइटम। तो एक बार समर स्लैम में रिटर्न होने वाले हैं, ये तो बात पक्का है, पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं, 3-4 सालों से इस बार भी रिटर्न होगा। तो हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में समर स्लैम 2023 के बारे में कि रिटर्न किस चीज़ का होने वाला है। देखिए, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, वो कंफर्म है कि समर स्लैम में रिटर्न होंगे, इसके चांसेस 90% है। तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं दो नाम आपको बताऊंगा जो मेरे अकॉर्डिंग तो रिटर्न हो सकता है, जिनका कंफर्म। एक नाम, पहला सबसे बड़ा नाम है, वो है ब्रे वायट का। आप मान के चलिए कि ब्रे वायट अपना रिटर्न 100% श्योर, आप मान लीजिए कि अगर उन्हें रिटर्न करना है तो समर स्लैम है, इसके बाद पे बैक है, फास्ट लैन है, तो वहाँ तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा पेपर नहीं है वहाँ पर रिटर्न होगा ब्रे वायट का। क्राउन जूल में मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके बाद इस साल कोई पेपर भी है नहीं। तो समर स्लैम अभी इवेंट है, बहुत बड़ा है, स्टेडियम में है डेट्रोइट के अंदर, तो क्लियर है कि यहाँ पर ब्रे वायट रिटर्न करेंगे और आकर 3 मैचेस में इंटरफेयर कर सकते हैं, और कोडी वर्सेस ब्रॉक के मैच में जहाँ पर वो कोडी को अटैक कर सकते हैं, रोलंस वर्सेस बैलर के मैच में जहाँ पर वो सेथ रोलंस पर अटैक कर सकते हैं, और इसके बाद होने वाला है मेन इवेंट जिसकी हाईली चांसेस है, रोमन वर्सेस जियो के मैच में जहाँ पर वो रोमन पर अटैक कर सकते हैं। तो ये ब्रे वायट के रिटर्न के चांसेस हैं, जिसको मैं नंबर 1 पर रखूँगा, जो है 90% चांसेस है कि ब्रे वायट रिटर्न करेंगे अपना समर स्लैम 2023 में। तो हमारा दूसरा नाम है रैंडी ओर्टन द वाइपर, द लेजेंड किलर। तो रैंडी ओर्टन भी काफ़ी वक्त से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हैं, करीबन 1.5 साल से, और उनका भी रिटर्न हो सकता है इस इवेंट के अंदर, और इसके भी हाईली हाई चांसेस हैं, चांसेस इसके भी 90% रखूँगा मैं, दोनों के सेम है, क्योंकि रैंडी ओर्टन काफ़ी वक्त से गायब है, और लेकिन अब ऐसी फोटोज या इवेंट न्यूज ऐसी आ रहा है कि रैंडी ओर्टन क्लियर है, मेडिकल भी क्लियर है वो, और इस बार रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो सकती है कि रैंडी ओर्टन का आरकीओ मूव वो शायद बैन हो सकता है, क्योंकि रैंडी ओर्टन आरकीओ लगाने की वजह से इतने सालों से जो है उनकी पीठ इंजरी, उनकी बैक इंजर्ड थी जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद रैंडी ओर्टन आरकीओ नहीं लगा पाएंगे, शायद उनकी पंट की वापस आएगी या कोई और सिग्नेचर मूव आएगा। तो लेकिन चलो, रैंडी ओर्टन वापस आ जाए बढ़िया बात है, हमें देखने को मिल जाए, काफ़ी वक्त से गायब है। और लेकिन रैंडी ओर्टन अगर आते हैं तो शायद वो 2 मैचेस में इंक्लूड हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है हाईली चांसेस है। जो पहला मैच है वो है कोडी के रोड्स का, जी हाँ, रैंडी ओर्टन कोडी रोड्स पर अटैक कर सकते हैं, और आप ये बात 100% श्योरिटी के साथ मान लीजिए कि रैंडी ओर्टन रिटर्न करेंगे एज अ हील, ना कि एज अ फेस, और एज अ हील ही हमें चाहिए वो। तो कोडी रोड्स नंबर 1 अटैक कर सकते हैं कोडी रोड्स पर, उसके बाद मेन इवेंट में रोमन रीन्स पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि रोमन रीन्स ने ही उनको इंजर किया था एक समय में। तो ये जो हाईली फेवरेट रिटर्न है ब्रे वायट और रैंडी ओर्टन का, तो आप मान सकते हैं कि समर स्लैम 2023 में अगर दोनों में से किसी एक का या हो, दोनों का हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, पूरे शो का जो है मज़ा आ जाएगा, भले ही शो इतना ख़राब जाए, लेकिन अगर ये दो रिटर्न हो गए तो शो की पोजीशन बहुत हाई चली जाएगी रेस्टर महीने के लेवल की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में रिटर्न, आपको बता दें समर स्लैम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वही काफ़ी है आगे बढ़ने की, तरक्की हो जाए आपकी दुआ से, चैनल आगे बढ़ जाए, ग्रो हो जाए। शुक्रिया मिलता है मेरी वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।